अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका भाई आ चुका है जी। आपको शायद पता लग गई हो, तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। इस वक्त मैं मैनचेस्टर जो सिटी है वहां पे मौजूद हूँ। आगे सफर करके थोड़ा थका हुआ था। आज से आपका भाई आपको इंग्लैंड दिखाना स्टार्ट करेगा। जो जो हम करेंगे इंग्लैंड में, यूके की लाइफ कैसी होती है। तो आज मेरा फर्स्ट दिन है, तो बस अभी भी उठा हूँ। तो मैंने बोला यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी बाहर जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाऊँगा, वहाँ से कुछ कार्ड वगैरह लेने हैं वो लेके। बाकी जो आसपास जो यूनिवर्सिटी के मनाजिर होंगे, उसके बाद जो आप मैनचेस्टर सिटी आपको घुमाऊँगा, ठीक है। उसमें लोग कैसे चल फिर होते हैं, क्या माहौल होता है यू। हाँ जी, तो भाई जा रहा हूँ, पहला दिन है मेरा मैनचेस्टर में, यूके में। तो यार आज आपको मैनचेस्टर की यूके की सैर कराएंगे, ठीक है। मेरे दोस्त में मिला उधर मैं जा रहा हूँ और बस पे जा रहा हूँ, ठीक है। बस पाउंड का, बस का जो किराया है वो 2 पाउंड है, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ पोर्टलैंड स्ट्रीट पे। बाकी चेक करो यार, आप लोग मैनचेस्टर में इस तरह के घर होते हैं यार, सेम टू सेम ये कलर होता है सबका, ठीक है। चेक करिए मैनचेस्टर के शश के, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो व्यूवर यार बस ने आखिरकार मुझे पहुंचा दिया मैनचेस्टर सिटी में। तो ये चेक करें यार आप लोग मैनचेस्टर सिटी के नज़ारे, क्या बात है, रौनके रौनके हैं यहाँ पे। और ये मैं और ये मेरा दोस्त भी मुझे मिल गया था, तो इससे गपशप हुई है। तो बड़ा अच्छा लड़का यार ये भी, तो ये भी इधर रहता है मैनचेस्टर वाली साइड पर। तो अभी हमने दोनों ने मिल के मैनचेस्टर सिटी घूमनी है, तो सिटी घुमाते हैं सारा। तो ये मेरे साथ मुबारक भाई हैं, ठीक है। ये चेक करें यार शश को, चेक करें गोरों के, हर तरफ गोरे गोरे हैं। कुछ लोग हैं एशियन हैं, मगर कुछ ज़्यादातर जो हैं गोरे हैं, ठीक है। यहाँ पे हर मुल्क के लोग आपको मिलते हैं। ये चेक करें बिल्डिंग, चेक करें, और क्या बात है, क्या बात है यार। ये चर्च है इनका, ठीक है। ये यूके का चर्च है मैनचेस्टर सिटी का। तो यार आप लोग भी मेरी तरह यूके आना चाहते हैं, तो मैं आपको कल शेल्टन का नंबर दे रहा हूँ, तो आप लोग आ सकते हैं। फाइनली भाई आपका भाई आ चुका है मैनचेस्टर सिटी टाउन में, ठीक है। ये बहुत बड़ा शहर है यार। तो बाकी यार बस का सफर आपको दिखाया है। बाकी ये देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मैंने छोटा सा अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। बाकी पीछे मेरा माहौल चेक करें यार आप लोग, ये पता नहीं क्या चीज़ है, पुतले शुतले बने हुए हैं, बड़ा माहौल है यार यहाँ पे। सर्दी काफ़ी है, अगर आप लोग आ रहे हैं अपनी एहतियात लाजमी करके आए, ठीक है। गर्म कपड़े डाल के आए जितने हो सके, ठीक है। तो चेक करें यार माहौल, चेक करें, ओए होए बिल्डिंग्स होटल्स, ये है सिटी टावर, क्या बात है। बसेस ये चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरे मैनचेस्टर सिटी में 2 पाउंड का एक टिकट होता है, बस वो लेना होता है, और आप मैनचेस्टर में पूरे मैनचेस्टर में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। ये चेक करें लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर लोग जाएँगे अभी। शुक्र यार मैं अम्ब्रेला लाया था तो काम आ गया। ये देखें एक छोटा सा एक मैप भी बना हुआ है, ये पॉप आइस बारबेक्यू रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट इस तरह काफ़ी सारे टेक अवेज रेस्टोरेंट होते हैं इधर, जो पाकिस्तान में हमने कभी नाम भी नहीं सुने उनके। मैंने बोला आपको चलो घुमाता फिराता हूँ। तो यहाँ पर यार एक और चीज़ बड़े मज़े की है, अगर आपने ये रोड क्रॉस करना हो ना, तो आपने रोड क्रॉस करना हो तो ये बटन दबाना होता है ये आपने, और बेशक गाड़ी जितनी भी स्पीड में हो वो ब्रेक लगाएंगी यहाँ पे, और आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अभी गाड़ी आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं नहीं करता, मैं वैसे चला जाता हूँ, ठीक है। चेक करें गाड़ियाँ पहले रुकी हुई हैं, दबाने का फ़ायदा नहीं है। अगर गाड़ियाँ आ रही हो, आपने एमरजेंसी में जाना है, तो फिर यार ये क्या चीज़ है, साइकिल, क्या बात है। बिल्डिंग, ये चर्च है साथ, ये सिटी टावर, टावर टावर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मैनचेस्टर यूके। ये है जी रेलवे स्टेशन, ये चेक करें बुलेट ट्रेन खड़ी है, बुलेट ट्रेन जी ट्रेन, ये आपको सिटी के बाहर लेके जाएंगी, ठीक है। तो जो बसेस होती हैं वो आपको ले जाती हैं सिटी के अंदर ही घुमाती हैं, और ये बस ट्रेन होती हैं ये आपको सिटी के बाहर लेके जाती हैं। ये यार कसम से किधर फंसा दिया यार गोरों में, कसम से फंस गया हूँ बस। तो अभी यार घूम रहे हैं बस, मज़ा आ रहा है, सांसें इंजॉय भी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट बिरयानी देसी लाहौरी ग्रिल में, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है, तो इधर मैंने एक बिरयानी खानी है लाहौरी ग्रिल टिक्का तवा, क्या। हाँ जी, तो यार मैं अभी घर में आ गया हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह यूके में आना चाहते हैं, ठीक है, और मेरे जो कंसल्टेंट था बहुत अच्छा था, ठीक है, उसने कोई फीस नहीं ली। तो यार अगर आप मेरे कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार वो बंदे बहुत ठीक हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर स्क्रीन पर नंबर भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। आप उनका उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए,
और मेरा रेफरेंस दीजिए, आपको इंशाल्लाह अच्छी सर्विस देंगे और आप भी यूके जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके यूके आ सकते हैं। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो 2 दिन का, सिर्फ 1 या 2 दिन का है, मगर आने वाले जब 1 वीक हो जाएगा मैं अपना 1 वीक का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको, होने से बताऊंगा। मुझे अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग यूके आना चाहते हो तो आ सकते हो, तो मज़े की बात। मुझे मेरी जॉब भी मिल गई है, मैंने ज्वाइन करना है उसको, तो यार जॉब की डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आपने बस कनेक्ट रहना है, सब्सक्राइब करना लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक।